नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आज 1 अक्टूबर है, तो आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। भारत में डाक टिकट का प्रचलन 1 अक्टूबर 1854 में आरंभ हुआ था। हंटर समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी में शुरू की गई थी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की शुरुआत 1 अक्टूबर 1949 में हुई थी। जनरल माओ त्से तुंग द्वारा 1 अक्टूबर 1949 में चीन जनवादी गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की गई थी। नाइजीरिया यूनाइटेड किंगडम से 1 अक्टूबर 1960 को स्वतंत्र हुआ था। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1967 में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्विंटन द्वारा पश्चिम एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 1 अक्टूबर 1996 में हुआ था। श्रीलंका में किली नोची एवं मानपुलम शहरों पर कब्जा के लिए सेना एवं लिट्टे उग्रवादियों के बीच 1 अक्टूबर 1998 को हुई संघर्ष में 1300 लोगों की मृत्यु हुई थी। सिडनी में 1 अक्टूबर 2000 को 27th ओलंपिक खेल संपन्न हुआ था। एशियाई खेलों में 1 अक्टूबर 2002 को सूकर प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इजराइल में 1 अक्टूबर 2006 में लेबनान से अपनी सेना की आखिरी टुकड़ी को भी वापस बुलाया गया था। आतंकवादियों ने 1 अक्टूबर 2008 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बम ब्लास्ट किया। ये तो है आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम जानेंगे आज जन्मित व्यक्तियों के बारे में। 1 अक्टूबर 1847 में एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1918 को गोविंदप्पम वेंकटन स्वामी का जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1919 में मजरूम सुल्तानपुरी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं, उनका जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1924 में जिमी क्वार्टर अमेरिकी राजनेता और संयुक्त राज्य अमेरिका के 39th राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1945 में रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म हुआ था। ये तो है आज जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में। अब हम जानेंगे आज हुए निधन के बारे में। 1 अक्टूबर 1986 में भारत के महान क्रांतिकारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का निधन हुआ था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का निधन 1 अक्टूबर 1574 में हुआ था। ये तो है आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। हमने आपको ये भी बताया कि आज किन खास व्यक्तियों के जन्म हुए थे या किन के निधन हुए थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल इतिहास में क्या कुछ हुआ था खास, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।